आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक नई शानदार वीडियो में। जैसे कि मैंने आप सबसे कल टेलीग्राम पर भी कहा था कि आज का जो सेशन है वो काफ़ी 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। जिस तरीके से आज की पीपीटी को मैंने फॉर्म किया है, आप वीडियो देखने के बाद खुद बोलोगे कि इट वॉज़ वेरी नॉलेजेबल, वेरी इन्फॉर्मेटिव। आज की वीडियो तो प्लीज़ प्लीज़ लास्ट तक देखना, बिकॉज इसमें आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिससे आपके इतने सारे एमसीक्यू फॉर्म हो सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और या फिर आप जो भी यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देने वाले हो उसमें भी। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट। जल्दी से फटाफट शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो, और प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ हमारा चैनल आपके लिए लेकर आता रहता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आज आपको मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही है और थोड़ा वॉल्यूम कम लग रहा है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, बिकॉज मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ये टाइम कितना ज़्यादा क्रूशल है आप सबके लिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा पास है, हम एक महीना भी नहीं बचा है, कुछ दिन है आप लोगों के पास। मैं समझती हूँ कि आपका टाइम कितना प्रीशियस है, इसलिए मैंने बिना देरी करते हुए ये वीडियो बीमार होने के बावजूद भी इतना सीख होने के बाद मैंने आपके लिए बनाई है। प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करें अगर आपको वॉइस का जो पिच है वो कम लगे। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, तो मैंने एक सीरीज चला रखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज ले रखे हैं। WPT के अलग हैं, IR के लिए अलग हैं, सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन लिए गए हैं। प्लीज़ आके उस सीरीज को जरूर देखना, बिकॉज जितने भी एंट्रेंस अभी हाल फिलहाल में हो रहे हैं उनमें से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, तो प्लीज़ देखना ज़रूर। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो इज, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू प्रोमल्गेट ऑर्डिनेंसेस। और अगर आपने मेरी जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स वाला सीरीज देखा है, जिसमें मैंने आपको तीन वीडियोस के अंदर सारे के सारे आर्टिकल के, यानी कि सारे जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सब बता दिए थे। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है तो आप उसमें से इसको ज़रूर आंसर कर पाओगे। इसका जो आंसर है यहाँ पे वो हो जाता है आपका आंसर नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 1, 2, 3। ये प्रेजिडेंट को पावर देता है किस चीज़ की? ऑर्डिनेंस लागू करने की। और ये पावर ऐसी है कि प्रेसिडेंट इसको उस टाइम पर भी लागू कर सकता है कि जैसे मान लो कोई सेशन अभी चल रहा है दोनों हाउस का, और प्रेसिडेंट को लग रहा है कि कोई इस टाइप का अर्जेंट ऑर्डिनेंस है जो उनको अर्जेंटली पास करना ज़रूरी है, तो वो उस टाइम पर जो है पास भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों के लिए गैदर की है, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये है एससी अकेडिंग, इसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप देख सकते हो कि डिफरेंट आर्टिकल्स जो है वो डिफरेंट जो है प्रेसिडेंट की पावर्स को शो कर रहे हैं। जैसे कि आर्टिकल 52 है वो दिखाता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के पास एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ये किस में लिखा है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 आपको बताता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 54 आपको बताता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 बताता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो किस तरीके से होगा। और आर्टिकल 58 बताता है आपको क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, ठीक है, कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ये सारे मैंने इसलिए लिखे हैं बिकॉज इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे लिखी है। आर्टिकल 60 आपको ओथ बताता है कि प्रेसिडेंट किसके सामने क्या ओथ लेगा। और आर्टिकल 61 आपको बताता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट का रिमूवल कभी भी नहीं होता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा हुआ है कि जहाँ पे आपसे कुछ स्टेटमेंट मांगे जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा गलत है या कौन सा सही है, अगर वहाँ पे इम्पीचमेंट की जगह रिमूवल नाम लिखा हुआ है तो आपकी वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, बिकॉज प्रेसिडेंट का रिमूवल नहीं होता है और प्रेसिडेंट का जो होता है वो इम्पीचमेंट होता है, और वो भी स्पेशल स्पेशल मेजर मेजोरिटी के साथ होता है। यानी कि जैसे कि मान लो बाकी जो स्पेशल मेजोरिटी होती है वो कैसी होती है कि जो प्रेजिडेंट है उनका 2/3, लेकिन
प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए पूरे हाउस में, चाहे आपके जैसे मान लो अगर 100 लोग हैं उसमें से अगर 60 भी प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं है कि 60 का 2/3 चलेगा, पूरे के पूरे जो हाउस का कोरम है उसका 2/3 होना चाहिए प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए। सो इम्पीचमेंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है प्रेजिडेंट का। और इसके बाद मैंने एक और जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए गैदर की है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि आप नीचे देख सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है, सच ऑर्डिनेंस शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द असेंबली ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि जो भी ऑर्डिनेंस जो होगा, जो वो प्रेसिडेंट लागू करेगा, वो कब तक रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है, यानी कि उसके अंदर, सॉरी 6 महीने नहीं, सॉरी 6 वीक्स तक रह सकता है, वो थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया, और 6 वीक के अंदर अंदर जो है बाकी जो दोनों हाउस है उनसे उस ऑर्डिनेंस को जो है पास करवाना होगा, यानी कि 6 वीक से पहले जो है उसका एक्सपायरेशन नहीं हो सकता। सो ये थी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और आगे ही क्वेश्चन पर भी हम सिर्फ ना क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड क्या होने वाली है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, और इस वीडियो से आपको इतने सारे एमसीक्यू बनाने को मिलेंगे जितने कि आपको एंट्रेंस पे हेल्प करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो प्लीज़ अगर आपने अब तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो उनके साथ शेयर भी करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम ऐसे ही आपकी सारी की सारी सहायता करते रहते हैं नई नई वीडियोज़ के साथ, नए नए एमसीक्यूज़ के साथ। सो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच केस इट डिक्लेयर्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये जो नीचे केसेस लिखे हुए हैं सारे के सारे लैंडमार्क जजमेंट केसेस हैं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चल रहा है कि आपको जो लेटेस्ट लैंडमार्क जो जजमेंट है, लैंडमार्क जो केसेस हैं, लैंडमार्क केसेस ऐसे होते हैं जिनसे कि काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है जो पुराने केसेस में नहीं होता, या फिर किसी बड़ी जजमेंट को वो ओवर रूल कर देता है। तो इस टाइप की जो केसेस होते हैं उनको हम लैंडमार्क जजमेंट बोलते हैं। तो ये चारों ही लैंडमार्क लिखी हुई है, लेकिन आपको बताना है कि इनमें से ये किस में बोला गया था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सो ये बोला गया था आपका बेरुबारी केस के अंदर, केशवानंदा भारती केस को देखते हैं, मोस्टली बच्चे इसी को टिक करके आएंगे, मेरा ये कंफर्म है 80% बच्चे इसी को टिक करके आएंगे, बिकॉज जब भी कोई लैंडमार्क जजमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सब लोगों को लगता है कि केशवानंदा भारती का केस जो है इतना ज़्यादा फेमस है कि हर चीज़ का आंसर यही होगा। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे जजमेंट ऐसे हैं जो लैंडमार्क हैं, और वो आपको पढ़नी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, बिकॉज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, UGC नेट के पेपर में भी आते हैं। सो बेरुबारी केस में ये कहा गया था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नहीं है, लेकिन उसको जो है बाद में केशवानंदा भारती केस में बोला गया कि नहीं, जो प्रीएम्बल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन का। सो इस टाइप के जो रिलेटेड और भी लैंडमार्क जजेस केसेस हैं वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट डाउन करे हैं कुछ थोड़े से, ताकि आप लोगों को जो है थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनसे बनते हैं वो मैंने सारे के सारे जजमेंट केसेस आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। फर्स्ट है आपका AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। मैं सारे के सारे यहाँ पे आप एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए नाम लिख दिया ताकि आप लोगों को जो है गूगल पे सर्च कर सको। मुश्किल से हार्डली 5 या 10 मिनट्स लगेंगे, लेकिन एक बार इनको ज़रूर टाइम देना, बिकॉज इनसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1952। थर्ड है आपका गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1967, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ है आपका केशवानंदा भारती केस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973, ये तो आप सबको पता होगा बिकॉज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये। देन आपका आता है इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण। नेक्स्ट है आपका मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन लास्ट लिखा है आपका मिनरा विल्स केस 1980, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इन सबको गूगल पे ज़रूर सर्च करना, हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में इन्हीं में से आ जाए। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आज आपको मेरा थोड़ा एनर्जी डाउन लग रहा है या वॉइस का पेस थोड़ा सा डाउन लग रहा है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, बिकॉज मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज आप लोगों का टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है और मेरे लिए भी है, बिकॉज आपका एंट्रेंस में हेल्प करवाना मेरी जिम्मेदारी है। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो इस क्वेश्चन से आपको देखने को क्या मिलता है, सीखने को क्या मिलता है कि आपको जो एक्ट थे
जब हमारा इंडिया कॉलोनाइज था उस टाइम की जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, जैसे कि 1909 का, देन 1999 का, देन 1935 का, 1947 का. सो ये सारे जो एक्ट थे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं. सो इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डाला है ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि आप किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है पढ़ते समय. सो ये पूछा है कि इनमें से क्या फीचर जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, 1919 का, वो उसका फीचर नहीं है. सो फर्स्ट है आपका बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, ये बिल्कुल ठीक है, उसी टाइम पे बाइकैमरलिज्म लाया गया था. सेकेंड है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली टू एन इलेक्टेड मेजोरिटी. थर्ड है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल एनेबल टू मूव रिजोल्यूशंस ऑन बजट. एंड डी है आपका कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड टू द सिक्स. तो डी तो बिल्कुल सही है बिकॉज 1909 वाले में जो है सिर्फ मुस्लिम्स को जो दिया गया था, उसके बाद 1919 में जो था यही कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो रिजर्वेशन था वो सिक्स को भी एक्सटेंड कर दिया गया था. और अब बात आती है हमारी बी ओ सी पे कि इनमें से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है. सो अगर हम बात करें बी की, लेजिस्लेटिव असेंबली टू एन इलेक्टेड मेजोरिटी, तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों हाउस का जो है मेजोरिटी के साथ इलेक्ट किए गए थे. देन से ही आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल एलेबल टू मूव रेजोल्यूशंस ऑन बजट, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था. और साथ ही साथ ये भी पूछ लिया जाता है, और अगर पूछा नहीं भी जाता तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि इसका सेकेंड नाम क्या है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है. जिस तरीके से 1919 वाले एक्ट को मार्लिमेंटो रिफॉर्म बोलते थे, उसी टाइप से जो है 1919 वाले को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं. सो इस टाइप की जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए. सो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स रिट ऑफ सर्शरोरी कैन बी इशूड बाय द जुडिशरी. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला बिकॉज रिट काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो आपको पांचों के पांचों रिट जो है पता होने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जारी करने का जो पावर है वो कौन से आर्टिकल में है, और जो हाई कोर्ट है उनके पास भी रिट जारी करने का पावर है, ये भी काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता कौन से आर्टिकल में, ये भी आपको पता होना चाहिए. तो मैं आपको सब कुछ एक एक करके बताने वाली हूँ, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक है. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं जो कि उन्होंने पूछा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स रिट ऑफ सर्शरोरी कैन बी इशूड बाय द जुडिशरी. जो जुडिशरी है वो अपनी लोअर कोर्ट को सर्शरोरी के अंदर जो है रिट के अंदर जारी करती है. तो इनमें से क्या गलत लिखा है वो आपको बताना है और कौन सा सही है वो आपको बताना है. सो फर्स्ट है आपका लैक ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, बी है आपका फोकस स्टैंडर्डी, सी है आपका एक्सेस ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, एंड डी है आपका एरर ऑफ लॉ. सो बी और डी तो बिल्कुल कट हो जाते हैं बिकॉज इस टाइप का कोई भी वर्ड जो है लिखा ही नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो जो आपका आंसर हो जाता है वो है आपका आंसर नंबर ए, यानी कि लैक ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, और आपका आंसर नंबर सी यानी कि एक्सेस ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन. तो आपको नीचे देख रहे हैं कि कौन से कोड में लिखा है, तो ये लिखा है फोर्थ में, यानी कि ए एंड सी में लिखा हुआ है कि ये दोनों की दोनों बात सही है. सो यानी कि इस रिट से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को कब इसको जारी कर सकती है, जब जो है लोअर कोर्ट जो है अपने ज्यूरिस्डिक्शन को लैक कर रही हो या फिर एक्सेस कर रही हो, ठीक है, यानी कि अपने ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर का कोई फैसला या कोई कार्य कर रही हो, तो ऐसे में जो है हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को जो है रिट जारी कर सकता है. सो इसके अलावा जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है वो यही हो जाती है कि बाकी की कौन से इंपॉर्टेंट रिट है जो आपको पता होनी चाहिए. सो वो भी मैंने आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है. सो वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो. सो जैसे कि नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट है आपका हेबियस कॉर्पस, सेकेंड है आपका मैंडेमस, थ्री है आपका प्रोहिबिशन, फोर है आपका सर्शरोरी, एंड डी है आपका क्यू वारंटो. तो ये पांचों के पांच आपको पता भी होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंडेमस होता है, यानी कि मैंडेटरी, आपको किसी काम करने के लिए मैंडेटरी किया जा रहा है. देन आपका प्रोहिबिशन होता है, देन सर्शरोरी होता है, क्यू वारंटो होता है. तो अगर मैं एक एक समझाने चाहूँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा बिकॉज मुझे अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर डील करना है. सो फिर भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग उनको जस्ट एक बार ही गूगल करके देख लोगे तो आपकी आंखों में भी बैठ जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे. कहीं क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिखेगा तो आप उसको हैंडल कर सकोगे. जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि थोड़ा थोड़ा इनमें क्या है. जैसे कि क्यू वारंटो में किसी पब्लिक ऑफिसर से रिट इशू करके जो है सुप्रीम कोर्ट पूछते हैं कि कौन सी अथॉरिटी से आपके पास जो ऑफिस है जो आपने होल्ड कर रखा है उसको एक्सेस करने का जुरिडिक्शन है, यानी कि आप कौन से अधिकार से वहाँ पे बैठे हुए हो, तो वो क्यू वारंटो के अंदर आ जाता है. इसी तरीके से कुछ जो रिट
राइट है वो लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट का जो बीच का रिलेशन है उनको शो करते हैं. सो इस टाइप के जो रिट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है और कौन से आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट के पास पावर है. तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो आर्टिकल 32 में है और जो हाई कोर्ट के पास पावर है रिट जारी करने की वो है 226 में. और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहिए, क्वेश्चन भी आता है कि किसका जो दायरा है वो बड़ा है. सो पहली बार सिर्फ इस केस के अंदर जो है हाई कोर्ट का जो दायरा है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो जाता है, बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट सिर्फ जो है फंडामेंटल के जो राइट है उनके अगर उल्लंघन हो रहा है सिर्फ उसी केस में जो है वो रिट जारी कर सकती है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो अदर चीज़ों के लिए भी जो है रिट को जारी कर सकती है. तो इसीलिए जो है हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है बढ़ जाता है. सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगाया इस क्वेश्चन पे. सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग, आपको इसमें मैचिंग करनी है. अगर आपने मेरा वीडियो देखा है जिसमें मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप लोगों को कवर करवाए थे, सो आप लोगों को बिल्कुल भी इसको करने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. जो मेरे स्टूडेंट हैं पहले से मेरे साथ हैं और जो मेरे वीडियोज़ को देखते आए हैं उनको तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस वाले क्वेश्चन में. सो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो किससे मैच करता है, वो है आपका 324 से लेकर 329 से. देन आपका आता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट. अभी मैं आपको इजी तरीके से करके बताती हूँ कि अगर आपको चारों नहीं भी पता है तो आप कैसे कर सकते हो. देन हम पढ़ते हैं पंचायती राज. सो पंचायती राज तो काफ़ी ज़्यादा इजी है और सबको पता ही होता है कि 243 से लेकर 243 ओ तक है. ये जो साइड का आपको नंबर दिख रहा है ना, ओ कहीं पे ए लिखा होता है कहीं पे सी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज इन्हीं से कई बार आपको क्वेश्चन में जो है कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की जाती है. देन आता है अगर आपको जैसे दो भी पता है तो आप इन दो के कारण ही सिर्फ देख सकते हो यहाँ पे जो कोड लिखे हैं नीचे. सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए का 3 एंड देन जो आपका सी है उसका फर्स्ट लिखा है. दैट मीन्स अगर आपको सिर्फ ये दो भी पता होते तो जो है आप जो है इसका राइट आंसर गैस कर सकते थे. सो इसी को फॉलो करते हुए हम बाकी के जो है मिला लेते हैं. बी का यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यानी कि सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स का हो जाता है आपका 308 से लेके 323. एंड देन आपका लास्ट बचता है जुडिशियल सिस्टम एट यूनियन लेवल, तो ये हो जाता है आपका 124 से लेके आर्टिकल 147. सो काफ़ी ज़्यादा ईजी था. अगर आपको कई बार आपका अगर एक भी पता होता है तो उसी से आपका पूरा का पूरा आंसर सॉल्व हो जाता है. बट यहाँ पे ए का 3 यहाँ पे दो कोड में था, दैट मीन्स आपको किसी दो का पता होना ज़रूरी है. एक आपका कई सारे कोड में कॉमन है, यानी कि अगर आप बी यानी कि पंचायती राज भी निकाल लेते तो आपके लिए पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला था. सो मोस्टली मैचिंग ऐसी आती है कि आप एक या दो पता होने से ही आपका सारा का सारा जो काम होता है वो हो जाता है. सो आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए. सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म्स ए बी सी डी इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग. अगर आपने 12th में अगर आपके पास आर्ट्स थी तो ये वाला जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा डीपली तरीके से 12th में पढ़ाया जाता है आपको, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है. सो और नहीं भी पता है तो नहीं भी पढ़ा है अगर आपने तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए. काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि ए बी सी डी किससे रिलेट करता है. ए बी सी डी बेसिकली कैटेगरी थे कि ए के अंदर कौन सी कैटेगरी के स्टेट आएंगे, बी के अंदर कौन सी कैटेगरी के, देन सी एंड देन डी. सो इस तरीके से जो था आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जो है 14 स्टेट्स और फर्स्ट यानी कि जो सबसे पहली बार स्टेट्स बनाए गए थे वो आपके बनाए गए थे 14, और जो यूनियन टेरिटरीज आपकी बनाई गई थी वो थी आपकी 6. सो आपको बताना है कि बेसिकली ए बी सी डी किस चीज़ से एसोसिएट करता है. सो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि स्टेट बनाए गए थे, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स. अब यहाँ पे जो स्टेट्स है वो भी चारों में दिया गया है, वो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया है. सेकेंड ऑप्शन में आप कन्फ्यूज हो सकते थे क्योंकि वो जो था स्टेट जो एक्ट था उसका नाम थोड़ा ऐसा ही था जो आपको इससे मिलता जुलता लग सकता है. सो सेकेंड लिखा है आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. सो रीऑर्गेनाइजेशन बेसिकली तब होता है जब आपके पास कुछ स्टेट्स ऑलरेडी जो है मौजूद हो, यानी कि आप कुछ बना चुके हो स्टेट, देन आप उनको रीऑर्गेनाइज कर रहे हो, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है रीऑर्गेनाइजेशन. लेकिन जो ए बी सी डी कैटेगरी में बनाए गए थे वो फर्स्ट टाइम स्टेट्स को जो है बनाया गया था, इसलिए हम यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन वर्ड को जो है करेक्ट नहीं मानेंगे. सो इसके रिगार्डिंग मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो मैं आपको शो कर देती हूँ. सो अब आपको दिखने वाली अपनी स्क्रीन पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956,
वॉज अ मेजर रिफॉर्म ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एक्स एंड टेरिटरीज, यानी कि जो फर्स्ट बनाए गए थे वो बनाई गई थी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। देन जो है आपका जो जिस तरीके से आपको पता होगा कि जो आंध्र प्रदेश था वो पोट्टिश्री मालू जो थे उनके अनशन के बाद बनाया गया था। सो इसीलिए जो है जो स्टेट्स बनाए गए थे उनका रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ा ताकि वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया जा सके, बिकॉज काफ़ी सारे मोस्टली लोग चाहते थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो है बनाया जाए। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ भी बिठाई गई जिन्होंने बोला कि जो सरकार के काम है उसके अकॉर्डिंग बनानी चाहिए, कुछ ने बोला लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, कुछ ने बोला लैंग्वेज अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो कमिटीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है, जो है 1956 वॉज अ मेजर रिफॉर्म ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑर्गेनाइजिंग देम अलॉन्ग लिंग्विस्टिक लाइन्स, यानी कि भाषा के आधार पर पहली बार इस एक्ट के अंदर जो है स्टेट्स को बनाया गया था। फर्स्ट और लास्ट भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो स्टेट था वो फर्स्ट स्टेट भी और फर्स्ट लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड स्टेट भी जो था वो आंध्र प्रदेश बनाया गया था 1953 में, और जो लास्ट लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है, तो वो था आपका पंजाब, यानी कि जो पंजाब था वो आपका लास्ट ऐसा स्टेट था जो जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे भाषा के आधार पर बनाया गया था। और अगर करंटली आप जानना चाहो तो करंटली हमारे देश में अभी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरेटरीज हैं। So let's move on to another question. So next question is, मदन मोहन पुंची कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू स्टडी। सो बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड उनके बारे में पता होना चाहिए, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है, आपको कमीशन से भी क्वेश्चन आते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव वेज में भी हो सकते हैं। कोई क्वेश्चन कोई फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी के रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्टिव वे में पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार ही आर्टिकल पूछा जाए। सो यहाँ पे पूछा है कि जो मदन मोहन पुंची कमीशन था जिसको शॉर्ट में एमएम पुंची कमीशन बोलते हैं, सो वो बेसिकली किस लिए बनाया गया था आपको वो बताना है। तो ये बनाया गया था आपका सेंटर ऑफ स्टेट रिलेशन की स्टडी करने के लिए, और इस तरीके के कुछ और जो कमीशन में आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर की है, जो आप देख सकते हो यहाँ पर। फर्स्ट मैंने आपके लिए लिखा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो बनाया गया था 1964 में, देन बनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो 1992 में बनाया गया था, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। देन मंडल कमीशन जिसमें आपके लिए ओबीसी का रिजर्वेशन लाया गया था 27% 1979 में, देन आपका ठक्कर कमीशन आता है जो 1984 में बनाया गया था, जनसाह कमीशन आता है जो 1977 में बनाया गया था, जो कि जो इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई थी उसकी स्टडी के लिए बनाया गया था। देन आता आपका एमएम पुंची कमीशन जो कि अभी आपको क्वेश्चन में देखने को मिला, जो कि 2007 में बनाया गया था। सो यहाँ पे मैंने कुछ ही इंपॉर्टेंट लिखे है, इसके अलावा आप चाहो तो बाकी के बहुत सारे कमीशन है उनको भी पढ़ सकते हो, लेकिन सारे के सारे मुझे भी पता है कि याद रखना इट्स इम्पॉसिबल। सो फिर भी मैंने आप लोगों की एक नज़र डालने के लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन को यहाँ पे लिख दिया है। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। एट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट हैंड ओवर इज रेजिग्नेशन टू, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर्स में। सो आपको बता रहे हैं कि अपना प्रेसिडेंट जो रेजिग्नेशन है वो किसको सौंपता है, तो वो सौंपता है अपना काफ़ी सारे बच्चों को लगेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिकॉज जो ओथ होती है जो प्रेजिडेंट अपनी ओथ लेता है वो CJI के सामने लेता है, तो काफ़ी लोगों को लगेगा कि अपना रेजिग्नेशन भी वो उन्हीं को देते होंगे, लेकिन नहीं, जो प्रेजिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेजिडेंट को देते हैं। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट किसी भी कारण से अपने ऑफिस में नहीं है सो वो किसको देंगे, तो वो देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सिर्फ उस केस में देंगे अगर वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर नहीं है। सो इसके रिगार्डिंग भी मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर की है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सॉरी इस वाली स्लाइड में भी शायद उसको डालना भूल गई, बट यही थी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो वो किसको सौंपेंगे, CJI को सौंपेंगे, और साथ के साथ आप ये भी देख लो कि वो ओथ किसके सामने लेते हैं, तो वो ओथ वाइस प्रेसिडेंट के सामने नहीं लेते हैं, सिर्फ अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, लेकिन जो ओथ होती है अपनी ऑफिस की वो लेते हैं CJI के सामने, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच DPSP हैज़ बिन गिवन प्रिसीडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ऐसे कौन से DPSP हैं जिनको ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके ऊपर का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो DPSP होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि उनको कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि उनके उल्लंघन पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। लेकिन फिर भी ऐसे दो
डीपीएसपी है जो फंडामेंटल राइट से ऊपर है, तो इसीलिए बिकॉज ये एक एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन से हमेशा काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं क्वेश्चन आने के. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. इसका जो आंसर है वो है आपका 39B एंड 39C. 39B और 39C कौन से कोड के अंदर लिखा है हमें वो देखना है. यानी कि बी और डी आपका ऑप्शन है, तो ये लिखा है आपका थर्ड में. 39B और 39C को जो है आर्टिकल फंडामेंटल राइट से जो है ऊपर का दर्जा दिया गया है, लेकिन सारे फंडामेंटल राइट से नहीं, सिर्फ दो ऐसे फंडामेंटल राइट है जिनके ऊपर दर्जा दिया गया है. वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे. आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 के ऊपर आर्टिकल 39B और 39C को जो है ऊपर का दर्जा दिया गया है. 14 है आपका राइट टू इक्वालिटी एंड 19 है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ये इन डीपीएसपी को इन दोनों से ऊपर दर्जा क्यों दिया गया है? बिकॉज दीज डीपीएसपी आर इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, दे डील्स विद डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. दैट मीन्स कि ये दोनों के दोनों जो आर्टिकल हैं 39B और 39C, बिकॉज ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से रिलेट करते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इनको इन दोनों फंडामेंटल राइट से भी ऊपर रखा गया है. यानी कि अगर इनको इन्फोर्स करने के लिए आपका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को उल्लंघन होता है, वो जो है वाजिब माना जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर सॉरी गलत हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने आपको ये बताया था. अगर आपने नहीं देखे तो जाके जरूर वॉच करना, बिकॉज अभी जो है मिनिस्ट्री में रिशफल हुआ था और जितने भी नए मिनिस्टर्स हैं इंपॉर्टेंट वाले मिनिस्ट्री से आपको पता होना चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर डाला था उसी टाइम पर. अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर वॉच करना उसको. तो उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, कितना परसेंट जो है हाउस का वो एक्सीड नहीं करना चाहिए. इसका आंसर हो जाता है यहाँ पे आपका 15%. और ये कौन से आर्टिकल के अमेंडमेंट में लिखा गया था वो भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 91st अमेंडमेंट में ये बोला गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसमें सारे के सारे मिनिस्टर को मिला के, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, सबको मिलाकर जो है पूरे लोकसभा का 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये अमेंडमेंट भी पता होना चाहिए कि 91st अमेंडमेंट था. इम्पॉर्टेंट पार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करी है, बिकॉज आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है कि आप उसमें से चाहे कितने भी हज़ार क्वेश्चन बना लेना, कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा तभी भी ख़त्म नहीं होगा कि आप उसमें से क्वेश्चन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है. इतना बड़ा दायरा होने की वजह से आपके पास टाइम भी कम है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट तैयार की गई है कि आपको कौन से पार्ट्स पे ध्यान देना है, कौन से पार्ट्स पढ़ के जाने हैं, बिकॉज अभी कम समय है, जिससे कि आप जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टैकल कर सको. वो मैं आपको दिखा देती हूँ. फर्स्ट मैंने आपके लिए रखा फंडामेंटल राइट्स, देन डीपीएसपी, प्रीएम्बल, प्रेसिडेंट, सेंटर स्टेट रिलेशंस, सुप्रीम कोर्ट पावर, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, देन गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लैंडमार्क जजमेंट्स, देन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस और दोनों हाउस की सीट्स एक्सेट्रा. ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं कि आप लोगों को इन इन चीज़ों पर ध्यान देना है, जिससे कि आपका जो है एंट्रेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाए. मैंने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है आप लोगों के लिए, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की, ताकि आप लोगों को कम समय में एमसीक्यू की प्रैक्टिस के साथ साथ काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहे जिनसे क्वेश्चन बिल्डअप हो सकते हैं. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोज हम लेकर आते रहते हैं और अंत तक आपका साथ देंगे पूरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक. आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे बीच में, तो इसलिए अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना. और अगर आपको मेरी वीडियोज़ का जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ उनका पीपीटी चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पर आप एजुकेबल लिखोगे तो आपको मिल जाएगा. ये ज्वाइनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पर मैं आपको डेली के एमसीक्यू और करंट अफेयर भी करवाती रहती हूँ, तो प्लीज ज्वाइन करना मत भूलना. और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना. और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.